Empire State Imarat. न्यूयॉर्क के 5वें एवेन्यू और 34वें पश्चिम रास्ते के चौराहे पर आलीशान 102 मंजिला एम्पायर स्टेट इमारत स्थित है। इसका नामकरण न्यूयॉर्क राज्य के नाम पर किया गया है। सन 1931 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और अगले करीब 40 साल तक ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी। उसके पश्चात सन 1972 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी मनोरे का निर्माण किया गया। गोल्डन गेट पूल सैन फ्रांसिस्को का उपसागर जहां प्रशांत महासागर से मिलता है, वहीं ये झूलता हुआ गोल्डन गेट पूल है। राष्ट्रीय महामार्ग 101 और राज्य महामार्ग 1 का भाग बना ये पूल सैन फ्रांसिस्को शहर और मरीन काउंटी को जोड़ता है। सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया का अंतर्राष्ट्रीय मानचिन्ह बना ये पूल जब सन 1937 में बनकर पूरा हुआ तो ये दुनिया का सबसे लंबा झूलता पूल कहा जाता था। काल पश्चात दुनिया में इससे लंबे और करीब 8 पूल बनाए गए, परंतु आज भी ये यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूयॉर्क के वेराजानो पुल के बाद दूसरे क्रमांक का लंबा झूलता पुल है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने इसे अमेरिका की 5वें क्रमांक की सुप्रसिद्ध वास्तु का दर्जा दिया है। तेज प्रवाहों के कारण इसे बोट से पार करना खतरनाक है और बोट से उतरने के लिए यहां पर्याप्त जगह भी नहीं है। समुद्र से हर 6 घंटों बाद यहां करीब 200 करोड़ घन मीटर पानी आता है और प्रवाह की गति 5.6 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। इस उपसागर को चक्कर लगाकर जाने का रास्ता बहुत लंबा यानी कई 100 मील का है और इसमें कई नदियां पार करनी पड़ती हैं।